चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इडली बनाते हैं। इडली बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल की जरूरत होती है, और चावल और उड़द की दाल का सही माप करना पड़ता है। सही माप करने से हमारा इडली बहुत अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और टेस्टी बनेगा। उसके लिए चावल की माप लेते हैं। चावल की 3 गिलास चावल लेंगे, एक गिलास चावल, 2 गिलास चावल हो गया, 3 गिलास चावल। 3 गिलास चावल ले लिए हम लोग, और उड़द की दाल 1 गिलास लेंगे। जिस ग्लास से हम नापे हैं चावल, उसी ग्लास से हम लोग उड़द की दाल माप करेंगे। ये 1 गिलास उड़द की दाल हो गई। अब इन सबको हम लोग अच्छे से धोएंगे। उड़द की दाल धोते हैं अच्छे से, 2-3 पानी से रगड़ रगड़ के हम लोग इसको धो देंगे। पानी रगड़ रगड़ के धो देंगे। मेरी उड़द की दाल धुल गई है, अब इसको मैं किनारे रख देती हूँ। अब चावल को मैं धोती हूँ। जो काला काला है ये सब निकल जाएगा, जो गंदगी है सब निकल जाएगा। अच्छे से साफ करके धो दूंगी। इसमें देख लेना है मुझे कि कंकर वगैरह ना हो, अगर कंकर वगैरह रहता है तो चून लेना चाहिए, क्योंकि वो खाने से दांत में लगता है। कि अच्छे से साफ कर देंगे। चावल की दाल मेरी धुल गई है, चावल धुल गई है, चावल भी और दाल भी धुल। अब इसको देखिए दोनों धुल गया अच्छे से, और अब हम लोग इसको पीसेंगे। ये देखिए मेरा इडली के लिए दाल फूल गया है, इधर चावल का चावल भी फूल गया है। दोनों को हम लोग अच्छे से पीसते हैं, बारीक पीसेंगे। अब मेरा बैटर तैयार हो गया है। इसको हम लोग 6 घंटे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। फर्मेंट होने के बाद इडली काफी सॉफ्ट बनता है। अब इसको मैं माइक्रोवेव में इडली बनाने जा रही हूँ। आपको माइक्रोवेव बनाने के लिए इसका माइक्रोवेव में एक डब्बा रहता है, उसमें थोड़ा सा पानी में डाली हूँ, और सब इडली वाले बॉक्स में मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालती हूँ। ज्यादा फिल नहीं करना है क्योंकि बाहर उफन जाएगा। मैं अभी माइक्रोवेव में दिखा रही हूँ, फिर थोड़ी देर में कुकर में भी दिखाऊंगी इसके बाद में, ताकि सब जिनके यहाँ माइक्रोवेव नहीं है वो कुकर में भी बना सके। इसमें पानी डालने के बाद एक ये है इसमें डाल देंगे, इसके बाद ये मैं डाल दी, तो दूसरे वाले में भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ढक्कन लगा करके 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डालती हूँ। अब इसको मैं 6 मिनट के लिए अंदर डालती हूँ। पकने के लिए छोड़ दी हूँ। इडली रेडी हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, और मैंने पहले से प्लेट लगा रखा है सांभर के साथ, और इसमें मैं इडली डाल देती हूँ। एकदम सॉफ्ट बनी है इडली, आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, स्पंजी है इडली। देखिए मेरा इडली एकदम टेस्टी इडली तैयार हो गया है। सॉफ्ट भी है खाने में, आप इसको जरूर ट्राई करें। और सांभर के साथ, सांभर नारियल की चटनी और चने की दाल के साथ इसको सर्व करें। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में सांभर और चने की चटनी और नारियल की चटनी डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद से फिर मैं इसके बाद कुकर में कैसी इडली बनती है वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।